वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जिस तेजी से गोरखपुर जनपद में पांव पसारता नजर आ रहा है, उस तेजी के साथ जिला प्रशासन कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ाई तेज करती नजर आ रही है, जिसको लेकर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने लगातार जमीनी स्तर पर कोविड 19 से संक्रमित मरीजों के लिए समुचित इलाज के लिए संबंधित अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। सोमवार को मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, CDO इंद्रजीत सिंह, SSP दिनेश कुमार पी, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य अधिकारियों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कूड़ाघाट में तैयार हो रहे 30 बेड के कोविड सेल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, CDO इंद्रजीत सिंह, SSP दिनेश कुमार पी ने एम्स प्रशासन के साथ कोरोना वायरस से निपटने के एम्स की तैयारियों और सुरक्षा को लेकर बैठक किया। इस संबंध में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि एम्स में कोरोना संक्रमण से पॉजिटिव मरीजों के लिए 30 बेड की फैसिलिटी के साथ शुरू किया गया है, जहां पर सारे बेड ऑक्सीजन युक्त हैं। जिला प्रशासन जल्द ही एम्स परिसर में ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने जा रही है। प्लांट शुरू होते ही हम वेंटिलेटर युक्त बेड शुरू कर देंगे। कोरोना संक्रमण प्रबंधन को लेकर गोरखपुर जनपद में एम्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक ओर जहां कोविड ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन युक्त बेड शुरू किया गया है, वहीं दूसरी ओर टेली कंसल्टेंसी सेवा शुरू की गई है, जिससे जनपद और मंडल में कोरोना संक्रमण रोकने में मदद मिलेगी। फिलहाल एम्स में शुरू 30 बेड का ट्रीटमेंट सेल लेवल 1+ की है और बहुत शीघ्र लेवल 3 का बनाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर, डिप्टी डायरेक्टर अश्विनी माहौर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी, CDO इंद्रजीत सिंह, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य अधिकारी और डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, अंदर आप सुनने जाएगी चलिए अच्छी बात है कि आपने शुरू किया है। SSP साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आपको एक जमीन मिल जाए तो सैक्शन थाना वो शासन से निर्देश हो गया, सर आदेश कैसे जारी हो गया, अब सर जगह ना दिखवा लेंगे सर। सर वो फिलहाल जब टूटी हुई सर कोविड के वजह से क्या होता है रन है यहाँ पे हमारे चौकी से बाहर जहाँ बता पाएंगे प्रशांत साहब प्रशांत जी से बात के कोई इनके ऊपर ये जो खाली का स्पेस है दो लोग आराम से रह सके रोटेशन तो जैसे ये कह रहे थे तो रोटेशन में आते हैं अगर हमको नजदीक मिले तो सर जल्दी होगा। वैसे भी कोर्ट यहाँ डिप्लॉय रहेगा सर, कैंपस के अंदर कहीं पर भी हमें 10 लोगों को रुकने के साथ जगह और अटैच टॉयलेट के साथ डबल शिफ्ट में सर एक चार दोनों एट द टाइम 2 or 3 पीपल विल बी स्टेइंग नो एट द टाइम एटलीस्ट 3 to 5 पीपल विल बी स्टेइंग की रिजर्व के रूप में भी काम करेगा। अगर बड़ा बवाल होता वो 5 की इधर आएंगे सर वाला मैं कैंपस में आपके 10-11 लोग रह रहे होंगे करीब 30 50 आदमी का 2-2 आदमी भी बाहर रहे पहले फीचर है कि वो सही गलत नहीं सोचते यार इमोशनली यार उनका मकसद इमोशन से डिवाइड होता है रीजनिंग से नहीं।
देखिए एम्स ने जैसा कि आपको पता है कि 30 बेड की फैसिलिटी शुरू की है और ये क्रमिक रूप में है 10 बेड की। अभी ये सारे बेड ऑक्सीजन युक्त हैं। प्रयास ये है कि इनका ऑक्सीजन प्लांट सक्रिय हो जाए और वो क्रियाशील होते ही हम इसमें वेंटिलेटर युक्त बेड की भी सुविधा शुरू कर देंगे। संक्रमण का जो प्रबंधन है गोरखपुर मंडल में और गोरखपुर जनपद में, उसमें एम्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में एम्स दो भूमिकाएं निभा रहा है, एक ये जो इन्होंने वार्ड ऑक्सीजन युक्त बेड का शुरू किए हैं और दूसरा इन्होंने जो टेली कंसल्टेंसी पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिए लोगों को देना शुरू किया है, उन दोनों में इनका रोल इम्पॉर्टेंट है और आशा करते हैं कि इससे हमारे मंडल और जनपद में प्रबंधन में हमें मदद मिलेगी और हम प्रबंधन इस संक्रमण को रोकने में सक्षम होंगे। सर अभी किस लेवल का ये शुरू हुआ है? इसको लेवल 1+ हम कह सकते हैं और बहुत शीघ्र हम इसको लेवल 2 और लेवल 3 का बनाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट को करने के लिए बात हो गई है, भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश शासन के बीच में बात हो गई है। मुझे लगता है अगले 30 दिन में वो ऑक्सीजन प्लांट का काम पूर्ण हो जाएगा।